जब पैसा छापना गवर्नमेंट के हाथ में है तो क्यों ना गवर्नमेंट पैसा छापकर गरीबी, भुखमरी और अन्य समस्याओं को खत्म कर देती है। मान लेते कि गवर्नमेंट की तरफ से आज सभी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, फिर क्या होगा? हर कोई अलग अलग चीजें खरीदने के लिए भागता चला जाएगा। मान लेते कि एक दुकान है जहां पर सिर्फ 100 मोबाइल फोन्स है, तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी जो अलग अलग मोबाइल फोन्स को खरीदना चाहेंगे। लेकिन उस बढ़ती हुई डिमांड को देखकर तुरंत वो दुकानदार उन चीजों की प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और अचानक से डिमांड बढ़ गई है। अगर सरकार फ्री में किसी को पैसा बांटेगी तो उसके बदले में ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, ना कोई सर्विस ऑफर की जाएगी। इससे पूरी जो इकोनॉमिक सप्लाई चेन है वो टूट जाएगी और लोगों के पास अचानक से बहुत ज्यादा पैसा आने की वजह से चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साल 2008 में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा करेंसी छापी और लोगों में फ्री में बांट दी। अंजाम ये हुआ कि एक साल के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो 23% से बढ़ गया, जिसके चलते मिठाई का बॉक्स जो 1 जिम्बाब्वे डॉलर में मिलता था उसकी प्राइस हो गई 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर। तो फ्री में पैसा मिले या ना मिले, एक चीज जरूर फ्री में मिल जाएगी, वो है सब्सक्राइब बटन। तो जरूर सब्सक्राइब करें।